ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। दावा किया जा रहा है कि बेहद सीक्रेट तरीके से खामेनेई के छोटे बेटे मोहस्तबा खामेनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है। आयतुल्ला खामेनेई के बेटे मोहस्तबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। ईरान में इतने बड़े उलटफेर को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। कि आखिर अचानक मोहस्तबा की ताजपोशी ईरान के नए सुप्रीम लीडर के पद पर क्यों हुई है। दरअसल पश्चिम एशिया में छिड़े भीषण युद्ध के बीच इन दो बड़े अपडेट ने हर किसी को चौंका दिया है। ईरान में पिछले 43 सालों से जो ताकत और हैसियत आयतुल्ला खामेनेई की रही है वो किसी की नहीं रही है। इसी बीच कई राष्ट्रपति आए और गए, लेकिन खामेनेई तेहरान की सत्ता के शीर्ष पर ही रहे। ऐसे में अचानक सुप्रीम लीडर के पद पर बेटे की ताजपोशी से हर कोई चौंक गया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आयतुल्ला खामेनेई का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, वो गंभीर रूप से बीमार चल रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में उनके कोमा में जाने का भी दावा किया जा रहा है। यही वजह है कि ईरान में चुपके चुपके नए सुप्रीम लीडर की ताजपोशी हो गई है। अब आपको बता देते हैं कि कौन है ईरान के नए सुप्रीम लीडर। आयतुल्ला अली खामेनेई के दूसरे बेटे मोहस्तबा खामेनेई ने पिछले 2 सालों में ईरान के शासन में अपना एक महत्वपूर्ण प्रभाव बनाया है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो मोहस्तबा का जन्म 1969 में मशहद में हुआ था। मोहस्तबा को सार्वजनिक रूप से बहुत कम देखा जाता है। 2009 के चुनाव के बाद हुए विरोध प्रदर्शन को सख्ती से दबाने में मोहस्तबा की एक बड़ी भूमिका मानी जाती है। इसी प्रदर्शन के दौरान काफी लोग मारे गए थे। ईरान के सर्वोच्च नेता के संवैधानिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए मोहस्तबा को 2021 में ही आयतुल्ला की उपाधि दे दी गई थी। दरअसल ईरान में आयतुल्ला खामेनेई के 43 सालों के शासन का अंत हो गया है। आयतुल्ला पहले 1981 से 1989 तक यानी 8 सालों तक ईरान के राष्ट्रपति थे। इसके बाद 1989 से वो ईरान के सुप्रीम लीडर पद पर बने हुए थे। अब उनके बेटे मोहस्तबा के सुप्रीम लीडर पद पर ताजपोशी ऐसे वक्त में हुई है जब पश्चिम एशिया में भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है और इसराइल से उसके संबंध सबसे बुरे दौर में पहुंच गए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।